करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ पूजा में कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आपको इस तरह से कथा की पुस्तक ले लेनी है और उसमें सभी विधियाँ सभी चीज़ें दी गई होती हैं। तो आपको करवा चौथ की चार कथाएं हैं, चारों आपको पढ़नी होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी हैं, बहुत ही कम समय में आप पढ़ सकते हो। तो आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुने, कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। करवा चौथ व्रत की पहली कथा। एक साहूकार था जिसके सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया और भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाकर दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा चल तू चांद उग गया है और अर्घ देकर चांद को जो है अपने अर्घ दे ले। तभी भाभियां कहने लगी चांद उग आया है अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे देते। तभी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उग गया है, हमारा चांद तो अभी रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाना खाने लगी, पहले ही ग्रास में बाल आया और दूसरे ग्रास पे कंकड़ और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया ही था, उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, यानी उसका आशीर्वाद लेना, जो कोई भी सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। जब बहन भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे आशीष दी कि तुम सात भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि तुम सुहागिन रहो सपूती हो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ लगा दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लग के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से इस समय बीतते बीतते मृग सिर यानी मार्गशीर्ष की चौथ आ गई। तो चौथ माता बोली करवा ले ले, करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले ले। लेकिन जब उस चौथ माता नहीं भाइयों की बहन करवा ले ले, जब चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता आप मुझे उजाड़ा है और आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे सबसे बड़ी सुहाग देने वाली होती है, उससे कहना वही सुहाग वापस करेगी। पौष की चौथ आकर चली गई और माघ की चौथ आ गई, फाल्गुन की चौथ चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों सभी चौथ आई और चली गई, यही कहकर जाती कि आगे आने वाले को कहना। अवसच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक चौथ पर चौथ नाराज हैं और उसी चौथ पे तुम्हारा सुहाग लिया है वही वापस कर सकती हैं, यानी कि जो कार्तिक मास की करवा चौथ है उसी ने ही आपका सुहाग लिया है, वही तुम्हें सुहाग वापस कर सकती हैं। पूरे महीने का चौथ व्रत करती रही लेकिन किसी ने उसके सुहाग को वापस नहीं किया। वही आप के बिनती, जब वो चौथ आएगी तो आप उनसे बिनती करना, और ये सब बताकर वो सभी चौथ चली गईं। जब कार्तिक चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले, व्रत का खंडन करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है, वह
तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है मुझे क्षमा करें, अब भूल कर भी मैं भूल नहीं करूंगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर उसकी छोटी सी उंगली उसके आदमी पर छीटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उन्होंने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। और जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह व्रत प्रसिद्ध हो गया और सब स्त्रियां चौथ का व्रत करने लगीं। सबका जो चौथ का व्रत करे सुहाग अटल रहेगा, इस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उस तरह से चौथ माता सब सुहागिनों को सुहागन रखें। यही करवा चौथ उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत सुनने वालों का सुहाग अमर रहे, सुनाने वालों का सुहाग अमर रहे। बोलो करवा चौथ माता की जय हो।